नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्म कमल के बारे में बात करें। प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं, उनमें से एक ब्रह्म कमल ये हिमालय की पहाड़ी में पाया जाता है। आजकल ये सभी जगह मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म कमल को के दर्शन मात्र से जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है। ब्रह्म कमल रात को 7-8 बजे खिलना शुरू होता है और 11-12 बजे तक के पूर्ण रूप से खिल जाता है और सुबह सुबह होते तक मुरझा जाता है। ब्रह्म कमल को ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है और ना आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। इसे आप सिर्फ कोई गिफ्ट देंगे तभी लगा सकते हैं। इसके एक पत्ती से आप एक पौधा तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं एक पत्ती लगाई जिसमें से प्लांट आना शुरू हो गया है और ये 3-4 महीने के बाद देख सकते हैं इतना बड़ा प्लांट हो गया है। ब्रह्म कमल का जो फूल है औषधीय युक्त से पूर्ण रूप से है। इसमें बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और इसके फूल को सुखाकर कैंसर की बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इसके पानी के पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्रह्म कमल का फूल जुलाई से सितंबर के बीच में खिलता है, बारिश के दिनों में ये खिलता है। ब्रह्म कमल का फूल जो पत्तियां हैं उसे निकलता है, पत्ती में ही इसका फूल लगता है और इसके दर्शन मात्र से बहुत सारे घर में क्लेश तो रहता है, दुख होता है, दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी जाती बढ़ जाती है। इसलिए इसको घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये शिव जी का बहुत प्रिय फूल है और ये केदारनाथ बद्रीनाथ में मिलता है। ब्रह्म कमल